नमस्ते सस्टरकार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस। आज का ये वीडियो गर्ल्स के लिए स्पेशल है। आज इस वीडियो में इंटीमेट वॉश से और हाइजीन से रिलेटेड वीडियो है। मैं आप सभी को एक इंटीमेट वॉश की हॉनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि ये इंटीमेट वॉश है प्लस इंटीमेट वॉश, जो कि आप देख सकते हो। ये गर्ल्स के प्राइवेट एरिया की केयर करेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप सभी को हम गर्ल्स को इंटीमेट वॉश क्यों यूज़ करना चाहिए। हमें इंटीमेट वॉश इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि गर्ल्स के वजाइना में एक पीएच लेवल होता है, वो पीएच लेवल 3.5 या 4.5 होता है। उसमें एक लैक्टिक एसिड होती है जिससे हमारे पीएच लेवल मेंटेन रहता है, और मेंटेन रहने के कारण हमें रैशेस, रेडनेस और जलन और बहुत सारे प्रॉब्लम, ऐसे ईचिंग भी होते हैं और वाइट वाटर डिस्चार्ज भी होता है जिससे कारण बहुत ही इरिटेशन होती है, वो सब नहीं होता है। तो जब ये पीएच लेवल हमारा डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये डिसबैलेंस कैसे होता है? ये डिसबैलेंस होने का कारण है, जो हमारा नॉर्मल सोप होता है उसमें पीएच लेवल 8 होता है और नॉर्मल वाटर का पीएच लेवल 7 होता है, जिससे कारण हम जब वजाइना के को क्लीन करते हैं तो हमारा पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। उसके कारण इरिटेशन, रेडनेस, ईचिंग, वाइट वाटर डिस्चार्ज और मैनी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जिससे कारण मूड भी ऑफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इरिटेशन लगने लगता है। तो यही सब कारण है कि हमें इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। इंटीमेट वॉश यूज़ करने से हमारा पीएच, जो वजाइना का पीएच लेवल होता है, वो कभी डिसबैलेंस नहीं होता है। तो आप सभी गर्ल्स को, लेडीज़ को एक अच्छा इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये प्रिफर करूँगी ज़रूर आप सभी को यूज़ करने के लिए। तो चलिए आगे मैं आप सभी को इसको पैकेजिंग के बारे, तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग प्लस इंटीमेट वॉश की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट और अट्रैक्टिव है, जो कि इसका कलर कॉम्बिनेशन येलो, पिंक एंड ब्लूइश कलर में है। और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, आप इसे इजीली कहीं भी ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा। मैंने कहाँ से परचेज़ किया, इसे मैंने नायका से परचेज़ किया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और अदर ऐप्स का भी, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन मैंने इसे नायका से इसलिए परचेज़ किया क्योंकि मुझे नायका में थोड़े कम प्राइस में मिल रहा था। तो इसकी प्राइस है 139 और इसकी प्रिंटिंग प्राइस है, इसकी प्रिंटिंग प्राइस 199 है, और इसकी लाइफ सेल से वो 2 ईयर्स की होती है, और सारा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए मैं ये दिखा देती हूँ इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि इसका अंदर का पैकेजिंग कैसा है। तो आप देख सकते हो, ये इसकी देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे मेरे कैमरे, तो मैं आप देख सकते हो, साइड में मैंने लगा दिया है, देख सकते हो। तो इसे यूज़ करने का सबसे इजी तरीका है कि आपको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ कि आप सबसे पहले इसे थोड़ा सा तो देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा जेल बेस्ड में, मतलब वाटर बेस्ड में, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और इसकी स्मेल भी बहुत ही लाइट वेट है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी इसके स्मेल से। तो देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा वाटर बेस्ड में है। तो इसे यूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले आप जब या फिर बाथ में जाओगे, नहाने जाओगे, या फिर आप ऐसे भी इसे, सबसे पहले आप दो तीन बार ले लें इसे अच्छे से। उसके बाद आप अपने वजाइना को वाटर से क्लीन कर लें, उसके बाद इसे अच्छे से उसमें वजाइना में लगा लें, उसके बाद इसे 1 मिनट तक रहने दें, उसके बाद आप वजाइना को क्लीन कर लें, उसके बाद आप को अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा। मैं इसे जब से परचेस किया है, मुझे 1 वीक से ओवर हो गया है इसे यूज़ किया हुआ, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो मैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे बता देती हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड, नीम और तुलसी। मैंने तो बोला था लैक्टिक एसिड हमारे वजाइना के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है। तो और इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्वालेड है, टी ट्री ऑयल
ऑयल है, एलोवेरा है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, इंडायरेक्ट एक्सट्रैक्ट है, कोकोटिया ग्लिसरिक है, बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, तो आप देख सकते हो। तो मैंने इसके बारे और सारे डिटेलिंग में बता दिया आप सबको। आई होप गर्ल्स आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत ही आप सभी को मेरे वीडियो से नॉलेज मिला होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर दें जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे और भी मोटिवेट मिले कि मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं मैं और भी। तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इंस्टा आईडी मेरे फेसबुक पेज मेरे स्क्रीन पे दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो या अनदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टा में डीएम करके कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ऑलवेज आप सभी को सही सलाह देने के लिए रेडी हूँ। सो प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू गाइज़।